I am Viren and you are watching Bonsai Hunter. Today we will talk about our Bougainvillea bonsai. This is a Yamadori bonsai which I have hunted a few years back. We will do some pruning, we will do some wiring, shaping and also talk about its blooming. We will talk about its soil type to get more blooming. दोस्तों आज हमारे पास में है एक और हंटेड बोगनवेलिया। ये टू हैंड कैटेगरी की बॉन्साई है जो कि अंडर डेवलपमेंट है, अंडर ट्रेनिंग है। इसे हम ट्रेन कर रहे हैं। हमारे पास में एक अच्छा सा ट्रंक लाइन है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये 3 से 4 इंच मोटा ट्रंक है। अब हमें इसकी कैनोपी के ऊपर काम करना है और जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने इसे एक अम्ब्रेला स्टाइल कैनोपी के लिए छोड़ रखा है। जैसे जैसे ब्रांचेस का डेवलपमेंट हो रहा है हम इसके ऊपर और काम कर रहे हैं। तो आज हम इसकी वायरिंग करेंगे, इसकी शेपिंग करेंगे। दोस्तों साथ ही साथ हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जिसमें हम इसकी सॉइल के ऊपर डिस्कस करेंगे कि कौन सी सॉइल से आप अपने बोगनवेलियास के ऊपर ढेरों फ्लावरिंग पा सकते हैं। दोस्तों बोगनवेले की ब्रांचेस बहुत ही टेंडर होती है तो आपको इसे यंग एज के अंदर ही वायर और बैंड करना पड़ेगा और वो भी काफ़ी सॉफ्ट हैंड्स से। हम यहाँ पे वायर को केवल गाइड कर रहे हैं, ज़्यादा टाइट हम इसके ऊपर टाई नहीं कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स वी डिड सम वायरिंग ऑन दिस बोगनवेलिया बोन्साई। वी हैव यूज्ड कॉपर वायर। द ब्रांचेज आर वेरी टेंडर सो व्हेन यू बैंड द ब्रांचेज टेक केयर, डू नॉट बैंड टू मच। ये कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जिनके अंदर कॉटन सीड मील है। ये अच्छी तरीके से सड़ाया हुआ कॉटन की खाद है। साथ ही साथ हमारे पास में है बोन मील, लीफ मोल्ड, क्रश करी हुई लीफ मोल्ड से हमारे पास में, और हमारे पास में सैंड है और वर्मी कंपोस्ट। ये जो इंग्रेडिएंट है ये हम बोनसाई सॉइल मिक्स के अंदर यूज़ करते हैं और इन्हें हमने हमारे बोगनवेलियास के ऊपर ट्राई किया है। काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आया है और इसकी वजह से सॉइल की रिचनेस बढ़ गई है और फ्लावरिंग में काफ़ी मदद मिली है। बोनसाई सॉइल मिक्स के ऊपर अगर आप हमारा वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हमारे इस बोगनवेलिया की सॉइल में हम इसे मिक्स करने वाले हैं। मिक्स करने से पहले आप जो टॉप लेयर है सॉइल की उसे अच्छी तरीके से लूज़ कर दें। लगभग आधा आधा इंच आप इसे लूज़ करेंगे। एंड द लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप इज मोर सनलाइट एंड लेस वाटर प्लस फर्टिलाइजर इज द फॉर्मूला फॉर ब्लूम्स। So friends, that's it for today. I will be back with some more informative videos. Till then, goodbye. You should go back home.